न्यू वीडियो तो दोस्तों यार कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 17th of Feb 2023 भाई आज चंडीगढ़ का बहुत बड़ा फेस्टिवल रोज फेस्टिवल जो कि मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल था भाई। नया साल स्टार्ट होता है तो इस फेस्टिवल की वेट सबको शुरू हो जाती है कि भाई ये फेस्टिवल आने वाला है। तो भाई आज रोज फेस्टिवल में पहुंच चुके हैं, लगभग फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही मान लो क्योंकि अभी तक इनॉग्रेशन हुई है तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये दिखाता हूँ यार यहाँ पे क्या क्या नज़ारे हैं और एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे और टाइम और एंट्री भाई। सबसे पहले तो आपको बता दूँ यहाँ का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप मेरे पीछे क्राउड देखेंगे ना, ये सारा रोज़ फेस्टिवल देखने वालों का लोगों का क्राउड है। और यहाँ की एंट्रेंस भी दिखाता हूँ कि पिछली बार से कैसे अलग हुई है इस बार। और जो अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ 10 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ की टाइमिंग रहेगी। और बात करेंगे कि यहाँ की जो एंट्री भाई सभी लोगों के DM काफ़ी आ रहे थे मुझे कि एंट्री फ़ीस कितनी है, तो भाई एंट्री बिल्कुल फ्री है। चंडीगढ़ टूरिज्म की तरफ से बहुत बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो चलते हैं सीधा अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे स्पेशल होने वाली हैं। तो बने रहिए यार वीडियो में। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम किरण खेर जी यहाँ पर आ चुके हैं, अभी इसके बाद गवर्नर साहब भी यहाँ पर आएंगे इनॉग्रेशन के लिए। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे इनॉग्रेशन हो जाएगी और रोज फेस्ट बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट स्टार्ट ही है बट एक ऑफिशियली तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कोई ना कोई बैग कैरी करते हैं या फिर आप कोई फूड कैरी करते हैं तो उसके पहले ना आपको यहाँ पर अगर आप आ जाते हो तो आपको अपने बैग्स वगैरह चेक करवा कर ही यहाँ पर अंदर जाना है, जो कि चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा यहाँ पर वैन लगाई गई है चेकिंग के लिए। कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर वेलकम के लिए खड़े हुए हैं। तो चंडीगढ़ के माननीय गवर्नर साहब बनवारी लाल पुरोहित जी आ चुके हैं इनॉग्रेशन के लिए। तो फर्स्ट गेट के बाद आकर ना यहाँ पर एक बहुत बढ़िया डेकोरेशन है, सभी के सभी यहाँ पे फ्लावर्स हैं, उनकी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे टोटली जितने भी फ्लावर हैं ना उनकी वैरायटी यहाँ पे देखने को अलग अलग फ्लावर हैं। मैं जब भी वीडियो शूट करने जाऊँ ना तो भाई का यार भाई से मुलाकात हो ही जाती है। तो ये है भाई चंडीगढ़ वाला उर्फ संदीप मिश्रा, तो भाई भाई से मुलाकात हो गया। तो जैसे ही अंदर एंटर करते हैं ना भाई फ्लावर से बने हुए यहाँ पे स्कल्पचर देखने को मैं आपको मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं, है ना, कि इस हिसाब से इन्होंने बहुत बढ़िया से यहाँ पे सजाए हुए हैं। लोग यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह यहाँ पे अपने क्लिक करवा रहे हैं। ओहो क्या बात है, चंडीगढ़ का ओपन हैंड जो कि फर्स्ट टाइम इस बार फ्लावर से बनाया गया, इससे पहले और काफ़ी चीज़ें बनती हैं तो ये चीज़ पहली बार बनी है यहाँ पे। तो इस तरफ तो लगे हुए एग्जीबिशन नॉलेज के लिए, प्रमोशनल बिजनेस नो प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल सभी के सभी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये है वो सेक्शन जहाँ पर फ्लावर्स की वैरायटी और फ्लावर्स के विनर जो कि लोगों के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है ना, लोग यहाँ पे अपना फ्लावर अपना लगाते हैं तो स्मॉल ट्री लगाते हैं जो उनका कंपटीशन करवाया जाता है ना, एक पार्टिसिपेट करते हैं तो अंदर वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये भी फर्स्ट प्राइज क्रिएटिविटी, ये रंगोली कंपटीशन के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। तो ये था वो सेक्शन जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता और सबके अलग अलग प्राइज़ भी आए हुए हैं, जैसे फ्लावर कंपटीशन था और रंगोली कंपटीशन था और क्रिएटिविटी विद फ्रूट्स था, है ना, काफ़ी चीज़ें आपने देखी है। तो अभी चलते हैं दूसरे सेक्शन में जहाँ पे स्मॉल ट्री वगैरह देखने को हमें मिलेंगे। तो स्मॉल ट्री के पहले आपको यहाँ पे जितने भी पॉट्स के अंदर फ्लावर हैं वो सभी देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग यहाँ पे फ्लावर्स की वैरायटी देखने को मिलेगी। तो ये वो सेक्शन जो कि यार बहुत ज़्यादा मज़ेदार है ना, यहाँ पर अलग अलग पॉट्स के अंदर ना लोगों ने घर पर ही जो उगाए होते हैं फ्लावर्स या फिर वेजिटेबल्स, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो एक अट्रैक्टिव चीज़ है ना भाई, वो मुझे ये लगती है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लगती है, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ होता है। काफ़ी सालों से लोग ना पार्टिसिपेट करते हैं। आप इस ट्री को देखिए, लगभग कितने साल पुराना लग रहा होगा यार, बहुत ज़्यादा साल पुराना है। अभी ये मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ लगती है देखने के लिए, क्योंकि ये ट्रीज़ है ना भाई कहीं नहीं देखने को मिलते नॉर्मली। वाओ पीकॉक। तो ये है इन ट्रीज़ की डिटेल, जिनको नहीं पता होगा उसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं थोड़ा सा एक बार स्क्रीन को पॉज करके। तो ये तो है वो स्टेज जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं और कथक डांस यहाँ पे अभी चल रहा है। पत्नी को खुश रखने वाली किताब। तो हर साल ना अलादीन होता था भाई, इस बार रावण आया, क्या बात है यार, क्या बात है। हिंद के
के तख्ता पलट दो मेरे ही परवान से। तो इस तरफ लगी हुई है एक और स्टेज, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डांस के, अभी तो डांस की परफॉर्मेंस वगैरह की प्रैक्टिस चल रही है, तो अभी वहाँ पर भी होने वाली है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ना, यहाँ पे स्वच्छ बाजार को मतलब बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है। पहले तो स्वच्छ भारत सुना था, स्वच्छ चंडीगढ़ सुना था, पर अब स्वच्छ बाजार भी सुनने को मिल गया। अंदर चलते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें अंदर देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोगों ने नई नई मशीनों का ऐसा आविष्कार किया हुआ है, चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि हमारे वातावरण को और हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल में रखेंगी। और काफ़ी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ जगह पे जाके, एक एक स्टॉल पे जाके आपको काफ़ी जगह इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। आप आएँ और यहाँ पे आके देखें ज़रूर कि क्या क्या आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारे बाजार को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। तो ये है ब्रिज यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो दूसरी तरफ अगर जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको फूड कोर्ट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट से फूड सर्व कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि पेड होता है एज ऑलवेज, जो कि मिनिमम प्राइस पे यहाँ पे सर्विंग करते हैं। तो स्वच्छ रसोई भी यहाँ पे ना बनाई गई है, जहाँ पे पंजाबी फूड स्पेशल मूंग दाल मिर्च मसाला, साउथ इंडियन फूड भी, राजस्थानी फूड। तो अभी प्रिपरेशन चल रही है, जल्दी तैयार हो जाएगा सारा का सारा फूड कोर्ट है। अमृतसरी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दूर दूर के अपने फूड को प्रमोट भी करते हैं और यहाँ पे आपको फूड सर्व भी करते हैं। तो इमरजेंसी यूरिन पास वगैरह करने के लिए यहाँ पे जेंट्स टॉयलेट वगैरह हैं। तो ये तो थी एक डिटेल वीडियो जिसमें कि आप लोगों को पता लग गया है यहाँ की जो टाइमिंग है और एंट्री है कैसे आप लोगों ने करनी है। तो उस पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर है, और ब्रीफ वीडियो भी अभी जल्दी आपको मिल जाएगी जिसमें कि पूरी एक एक चीज़ की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और ये एक हाईलाइट वीडियो है जिसमें कि डेट, टाइम, ये चीज़ें सभी चीज़ें कवर हैं और क्या क्या कैसा अरेंजमेंट है सब कुछ आपको पता लग ही गया। तो अभी यहाँ से एग्जिट लेते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको लेज़र वैली, जो यहाँ पे दूसरा पार्ट है यहीं का। तो इससे पहले ना लेज़र वैली के ग्राउंड को कवर नहीं किया गया था लास्ट ईयर, बट इस साल किया गया है, यहाँ पर इसे भी यूज़ में लिया गया है। कैमल राइड भी है भाई इस साल तो यहाँ पे। चोपर राइड इस बार सबने मिस कर दी है, बट उसका जिक्र ही क्यों करना भाई, जले पर नमक क्यों छिड़कना। तो इस तरफ भी आप देखेंगे ना फूड कोर्ट है, जैसे रोज़ फेस्टिवल रोज़ गार्डन के अंदर फूड कोर्ट थी, उसी तरह यहाँ पर भी फूड कोर्ट है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है रोज़ फेस्टिवल 2023 51st, और भाई आकर यहाँ पर विजिट करें ताकि आप लोगों को भी पता लगे यार क्या क्या चीज़ें चंडीगढ़ टूरिज्म की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है ना, कितना बढ़िया यहाँ पे इंतजाम किया गया है एक एक चीज़ को यार बड़े ध्यान से, कि बच्चों के लिए भी अगर कह लो, बुजुर्गों के लिए, और मतलब हर एक लवर के लिए। जैसे कोई फूड लवर है तो अलग अलग स्टेट का फूड ट्राई करना चाहता है, कोई आर्मी के बारे में जानकारी लेना चाहता है, कोई चंडीगढ़ पुलिस के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो भाई कोई अगर इस तरह के शोज़ देखना चाहता है तो वही हर तरह का यहाँ पे पूरा का पूरा इंतज़ाम है। मोस्ट वेलकम है आपका सभी का मेरी तरफ से। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन देने आया था कि ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि चंडीगढ़ रोज़ फेस्टिवल के अंदर कैसे कैसे इंतज़ाम हो चुके हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या टाइमिंग रहने वाला है, सभी की सभी डिटेल आपको वीडियो के अंदर ऑलरेडी मिली गई है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताना। तो ये पहले दिन की वीडियो है, अगर आपको सेकेंड डे की भी वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और आप विज़िट कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। तो मिलते हैं आपको यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कुछ रह गया हो तो यार कमेंट सेक्शन में बता ही देना, और यही दोबारा चीज़ बोलने के लिए आया था, मुझे लगता है कुछ अगर कुछ रह भी गया होगा तो उसे भी ज़रूर कवर करेंगे। ज़्यादा दूर से नहीं है भाई, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के सिटीज़न होने के नाते हमारा भी यार ये ड्यूटी बनती है कि आप लोगों को भी ये चीज़ हम दिखा सकें, ताकि आप लोगों को भी पता लग सके हमारा प्यारा शहर चंडीगढ़। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना फिर से भूल गया, क्योंकि पार्किंग के बारे में मैंने जो वीडियो है पहले ही रोज़ फेस्टिवल के फ्रंट गेट के आगे से स्टार्ट की थी, तो पार्किंग के बारे में बताना भूल गया था मैं। बाइक आया था तो जो बाइक पार्क करने की स्पेस है, जो रोज़ गार्डन का, रोज़ गार्डन के बिल्कुल ऑपोजिट आप इस तरफ जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पर आपको पार्किंग वगैरह का इंतज़ाम मिल जाएगा। और अगर आप मतलब पार्किंग की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं ना, तो आप बाय कैब, बाय टैक्सी, बाय बस भी आप आ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो भाई पार्किंग बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है और पार्किंग नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा दूर पार्किंग करनी पड़ती है। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, जो कि आप पहले ही देख लो अभी से कंजेस्टेड है, मेरे को तो स्टार्टिंग में ही पार्किंग मिल गई थी, और मेरी बाइक यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है, हेलमेट भी मैं ऐसे ही छोड़ गया था।